नमस्कार, दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में कई पदों पर 90,000 वैकेंसी निकाली थी, वहीं अब वैकेंसी की संख्या को बढ़ाकर 1,10,000 कर दिया गया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने 20,000 पदों पर वैकेंसी की संख्या को बढ़ा दिया, जिसके बाद रेलवे अब कुल 1,10,000 नौकरियाँ देगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, रेलवे सुरक्षा बल RPF और रेलवे सुरक्षा बल RPSF में 9,500 नौकरियां निकाली जाएंगी, वहीं 10,000 नौकरियां L1 और L2 कैटेगरी में निकाली जाएंगी। बता दें, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यात्रा सुरक्षा में सुधार, डीरेलमेंट, विद्युतीकरण और नई तकनीक के द्वारा भारतीय रेलवे का आधुनिकरण में किए गए कई बदलावों के बाद यह फैसला किया गया। रेलवे में बड़े पैमाने पर लोको पायलट और तकनीशियनों समेत निचले स्तर के करीब 90,000 पदों के लिए आवेदन मांगा था। रेल मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं होनी चाहिए। बता दें, इससे कुछ दिन पहले वैकेंसी बढ़ाने की पुष्टि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा, रेलवे एक साथ 1,00,000 लोगों को नौकरी देगा। इसमें 90,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि 9,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इस भर्ती में रेलवे सुरक्षा बल में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें, इस वैकेंसी में आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन पदों पर आवेदन RRB के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसके लिए भर्ती के प्रथम चरण की शुरुआत अप्रैल या मई में हो सकती है। रेलवे सुरक्षा बल के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने पर उम्मीदवार indianrailwayrecruitment.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी पदों के लिए विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है और जल्द ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।